जिक्र किया था कि दो फैमिलीज, तो दो फैमिली से मुराद आपकी दो शादियां हैं या? तो आपने पहली शादी और दूसरी शादी कब की, ये जरा हमें वाकया बताइए। लव मैरिजेज हैं या अरेंज? दोनों अरेंज है। दोनों अरेंज है और दोनों मोहब्बत की। अच्छा, अरेंज है और मोहब्बत बाद में हुई या पहले? ये मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। पहली बात ही ठीक है, अरेंज ही हैं दोनों। अच्छा, तो 1996 में पहली मेरी जो शादी हुई और दूसरी शादी मेरी अभी 10-11 साल हुए या 12 साल हो गए, दूसरी लाहौर में की। दूसरी आप लाहौर में की, तो दोनों ही मोहब्बत की। तो कहते हैं ना, अगर आपको पहले से मोहब्बत है लेकिन उसके होते हुए दूसरा कोई आ जाए आपकी ज़िंदगी में, तो यानी कि दूसरे वाले से आपको ज़्यादा मोहब्बत है, पहले से मोहब्बत नहीं। तो ये आपको पहले से मोहब्बत कम हो गई या क्या वजह थी कि दूसरी पे दिल आ गया? मेरी बात सुने, मोहब्बत नाम है एहसास का, ठीक है। एक वो मोहब्बत होती है वो एहसास वाली जो नहीं होती, वो सिर्फ़ एक आपका जुनून होता है। मैं उसको मोहब्बत नहीं मानता। मोहब्बत के मायने एहसास के हैं कि दूसरा क्या आपसे चाहता है। तो इसलिए मैंने अपनी दोनों फैमिली का ख्याल रखा हमेशा, बराबर के बैलेंस किए, उनको बिल्कुल बैलेंस रखा है, बराबर के हकूक देते हैं। कभी किसी ने शिकवा किया पहली वाइफ ने या दूसरी वाइफ ने? टाइम कैसे मैनेज करते हैं? आपको बताया 3-4 दिन लाहौर होता हूँ, 3-4 दिन में हफ्ते में पाकपतन होता। अच्छा, दोनों डिफरेंट सिटीज़ में? जी जी, वो पाकपतन में मेरे में 2 बेटियाँ 1 बेटा और इधर मेरी 1 बेटी है लाहौर में, फरियाल। तो ये तो फिर अच्छी बात है ना कि उन हजरात के लिए भी जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हुई है, तो आप लोग ज़रूर करें अगर ज़रूरत है, और अगर आप उसको बैलेंस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो ये तो फिर आप एक एग्जाम्पल और मिसाल हो, ऐसा है तो ज़रूर हो, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, वाई नॉट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बीवियों को जब मनाना हो, नाराज़ हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कवाली पढ़कर मनाते हैं, सुना कर मनाते हैं या नहीं? नहीं, इस तरह का नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि आपका वैसे कभी जब अगर नाराज़ हो भी जाएँ तो मैं, मेरे में एक चीज़ है कि मैं खुद मनाता हूँ। इसमें ना बड़ाई है इंसान की कि अपने आप को तस्लीम नहीं करवाना, अपने आप को आजिज़ रखें। अगर आप आजिज़ हैं तो अपनी वाइफ के साथ भी हो जाए। गुस्सा है, आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, वाइफ को भी आ सकता है। अगर उसको आ गया तो ये मतलब नहीं कि मैं हस्बैंड हूँ और मैंने इस तरह नहीं होता कि बंदा कहे अगर तेरा दिल टूटा है इस चीज़ से तो आइंदा के बाद ये नहीं होगा। तो ये बताइए, कभी तो आपका दिल हुआ होगा ना, कभी होता है ना माइंड में गाना आ रहा होता है, गाना सुनाया हो बीवी को या प्यार से मनाया हो अपने किसी फेवरेट गाने से? जब देखिए घर में आ गए तो किसने गाना फिर, ठीक है। अच्छा, बाकी दूसरी बात ये है कि कंपोजिशनें बनाता हूँ घर में मैं जब, तो मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ। तो कि यार अब अपने बेटे को सुना दी या कि यार ये कैसा बन रहा है या किस तरह का हो रहा है। तो लेकिन यह सोच समझने के टाइम ही नहीं मिला कि इस तरह बैठने का और पूरा एक अरेंजमेंट करके एक हारमोनियम पे और फिर वाइफ को सामने ला के फिर इस तरह का कभी वो तो एक हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताया, आपने बेटे की बात की, तो बेटे में भी आप अपना जो फ़न है, जो विरासती एक फ़न है, उसे मुंतकिल कर रहे हैं? ये गॉड गिफ्टेड है और क्योंकि हमारा ख़ानदान जो कुआल बच्चा घराना, जिसमें मैंने बताया था कि नुसरत फ़तेह अली खान भाई ये और हम एक आपस में कज़न है, आपके मामू की बेटी जी राहत फ़तेह अली भाई, और क्योंकि हम एक ही बाबा की औलाद है। हाजी मारूफ ख़ान के 2 बेटे थे, साहब दाद ख़ान, खल्क दाद ख़ान। साहब दाद ख़ान की औलाद में मियाँ दाद ख़ान फैमिली, खल्क दाद ख़ान साहब की फैमिली में फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये फैमिली। हम ताया चचा के, यानी आपके एक दूसरे के ताया चचा के बेटे हैं एक दूसरे के। तो बाकी रिश्ते भी आपस में किए हैं, तो इसलिए वो मेरे पापा मामू भी लगते थे उनके। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान को तो आपने बचपन से देखा हुआ है, कोई उनके साथ कोई गहरा ताल्लुक जो है आपका, उसका कोई जैसे कहते हैं ना कोई मज़े का वाक़िया बचपन का? मैं अक्सर सुनाता हूँ कि उन बड़े पोलाइट बंदे थे वो और लेजेंड आदमी थे। क्योंकि मेरा उस वक़्त तो एक स्कूल टाइम ही था हमारा, तो वो फैसलाबाद चले गए माइग्रेट होके, जलंधर से, हम जलंधर से माइग्रेट होके मेरे दादा दीन मोहम्मद खान, अहमद दीन खान साहब। तो दीन मोहम्मद खान साहब दीना जलंधरी मशहूर थे उस वक़्त, इसी तरह जिस तरह इस वक्त खान साहब नुसरत फतेह अली खान का नाम है। इस तरह उस वक्त वायसराय हिंद ने उनको शहनशाह कवाली का खिताब दिया था। तो उनका एक कवाली थी, खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर के से नहीं आना। तो वो HMV हिज मास्टर वॉइस उस वक्त कंपनी होती थी ये रिकॉर्ड वाली। तो उनका रिकॉर्ड आप बिलीव करेंगे गोल्ड में बिका वो। तो लोग देखते थे, मेरे दादा अबू को, यानी वो कहते थे ट्रेन रुक जाती थी, वो कहते थे हमें दीन मोहम्मद दिखाएं, दीना कवाल। उनकी कोई कवाली आपको आती है? हाँ, लेकिन वो मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करूँगा। ये वो था, खड़ी होके गल सुन जा। सुनाइए सुनाइए। खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आना, खड़ी होके गल सुन जा। ये था उनका रिकॉर्ड, क्योंकि वो पंजाब में थे, जलंधर में। तो फिर ये लोगों ने बहुत पसंद किया जब वो इधर भी आते थे। फिर उसके बाद वो हम पाक पतन चले गए बुज़ुर्ग। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त इंडिया में पैदा हुए थे, उस्ताद मियाँ दाद खान साहब वो छोटे थे जब पार्टीशन हुई। फिर उन्होंने आके बाबा साहब में अपनी कवाली पेश की और बाबा साहब का दरबारी कवाल वहाँ उस वक्त गुलाम कुतुबुद्दीन दीवान साहब थे बाबा हजूर के गद्दी नशीन। तो उन्होंने फिर दस्तार बंदी करके तो पाक पतन में उन्हें रखा। सही। तो मुझे ये बताइए, नुसरत फतेह अली खान की कोई फेवरेट कवाली जो आपको अब तक याद है और आप अक्सर गुनगुनाते? वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बड़ा अच्छा लगा, सुना दीजिए। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। वाह वाह वाह। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। वाह वाह वाह, इसमें तो बहुत प्यारी आपने सुनाई है। थैंक यू। खूबसूरत आवाज़। आप अपनी कोई फेवरेट कवाली भी सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के तो सारी करीब हैं। और मेरा एक आइटम है इश्क मुजस्सम, जो आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं, नेट पे भी है। अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। इश्क मुजस्सम मुजस्सम इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। और ये आपने खुद लिखी भी है? नहीं, ये अख्तर शुमार साहब है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। ये उनकी गज़ल है, कंपोजिशन मैंने बनाई। फिर इसको मैंने जब पढ़ा तो अल्लाह की रहमत से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अमेजिंग, खूबसूरत। बच्चे की बताइए, आपकी वालदा भी कवाली लिखने की मामनत रखती है? नहीं, वो इस तरह तो नहीं है। वो पहले जब मैंने पहला एल्बम किया, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, जहाँ से अल्लाह पाक ने मुझे शोहरत से नवाजा, इज़्ज़त से नवाजा, तो वो मैं लिख रहा था, मेरे एक दोस्त थे बल्कि तौकीर कुमारवी, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, और हम बैठे हुए थे तो मुझे कहने लगे कोयला बोल दिया एक आइटम है। तो मैंने कहा यार अच्छा, तो उसको हमने लिखा, बल्कि उसने लिखा कुछ, मैंने भी उसमें हिस्सा डाला। तो मैंने अपनी वालदा को कहा मेरा ये आइटम है एक, मैंने तो वो कह रहे हैं आप, वालदा ने मुझे एक मशवरा दिया था कि कोयला नहीं, कोयल नहीं, आप चिड़ियाँ बोल दिया करें, क्योंकि बाबा साहब का एक वाक़या रिलेटेड था बाबा साहब की किताब में। तो मैंने वो जब पढ़ा तो अल्लाह पाक ने बहुत मुझे मेहरबानी, हमें भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं वे नहीं उठदा फिर नावा ए कर्म साबिर दे पीर दाए, हाँ मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरे सिर ते हथ बाबा फरीद दाए, बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया, बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया, उथे वसदा साबिर मेरा लाडला गंज शकर दा जेड़ा, साबर वर्गा वली केड़ा जिना दा कलियर दे विच डेरा, अली दा दिलदार चिड़िया बोल दिया, बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया। थैंक यू। इसमें तो आपकी माशाल्लाह वालदा की भी कंट्रीब्यूशन है, ये तो बहुत ही प्यारा आपने उनका मशवरा शामिल था, सारा का सारा कलाम वो सुनाया, खूबसूरत। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी बेटियों की, तो क्या आपने अपनी बेटियों को भी गायकी की तरबियत दी है या नहीं? नहीं नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान में ये अलाउ नहीं है लड़कियों को, बेटियों को, क्योंकि आजकल औरतों का भी है ना एक रुझान। ठीक है, होगा। हाँ जी, लेकिन शुरू से हमारे ख़ानदान में कोई ऐसी नहीं कि जिसको इजाज़त हो। अच्छा, इजाज़त नहीं, और किसी का नेचुरली टैलेंटेड हो? टैलेंटेड तो सारे ही हैं। अच्छा, औरतों में भी है टैलेंट? जब शादी ब्याह होता है तो सारे आपस में माशाल्लाह आपस में करते हम सब बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह प्रोफेशनल नहीं। पब्लिकली